नमस्कार दर्शक बंधु, आज न्यूज अपडेट को स्वागत करुछि मु आद्या। आमे देखौछु आपण मानंकु राज्य तथा देशर पिकनिक खबर। अमावास्या तिथिरे श्रीमंदिररे सागर विजे नीति अनुष्ठित होई जायछि। अमावास्यारे श्रीमंदिररु ठाकुर विजे होई महोदधिकु जिबा परे सेठारे एही नीति संपन्न होईथिला। तेबे श्रीमंदिर सत्वलिपि अनुजाई रीतिनीति अनुसारे अमावास्या नारायणंक सागर विजे नीति संपन्न होईछि। सकाळ धूप संपन्न होई पाणी पड़िबा परे अमावास्या नारायणंक सागर विजे नीति आरंभ होईथिला। महाजन सेवक माने दक्षिणी घरु चतुर्भुज नारायणंकु रत्न सिंहासनकु विजे करिथिले। सेठारे पालिया पूजापंडा सामंत महाप्रभुंक श्रीअंग लागि आज्ञामाळ आणि नारायणंकु प्रदान करिथिले। परे महाजन सेवक हातरे नारायणंकु नै बटवृक्ष मूळे थिबा पालिंकिरे विजे कराइथिले। घंट छता वाद्य सह विमानबड़ु सेवक माने ठाकुरंकु बालिसाहि देई स्वर्गद्वार निकट बेलाभूमिकु विजे करिथिले। सेठारे अमावास्या नारायण पहुंचिबा परे पालिया गड़ाबड़ु सेवक रूपा पिंगणरे समुद्ररु जल आणि पूजा पंडांकु देइथिले। पूजा पंडा सामंत उक्त जलकु संस्कार करी नारायणंकु लागि करिथिले। परे सेवायत निजोग पक्षरु ठाकुरंक निकटरे पणा भोग मणोही करा जायथिला एवं परे आरती एवं बंदापना संपन्न हेबा परे ठाकुरंक बाहुडा विजे नीति आरंभ होइथिला। सेवक माने हरचंडी साही दे श्रीमंदिरकु पुनर्बार बाहुडा विजे करिथिले एवं परे श्रीमंदिररे अन्यान्य नीति बढ़िथिला। पुरी रो कैमरा पर्सन रंजित को सह सुजीत महापात्रों को रिपोर्ट। बिना थैथान रे जमी अधिग्रहण करुछि प्रशासन। न्यायालय रे मामला विचाराधीन थिबा बेले जबरदस्ती घर खाली करबाकु विज्ञप्ति देउछि जिला प्रशासन। श्रीमंदिर परिक्रमा मार्ग पई 75 मीटर उच्छेद प्रक्रिया रे बाकी रहितबा जमी पई जमी मालिकंकु विज्ञप्ति जारी होईछि। बिना थैथान रे जोर जबरदस्त उच्छेद पाई एक सुपरिकल्पित योजना बोली कहिछंति जमी मालिकंक वकील। तेबे सूचना योग्य जे श्रीमंदिर परिक्रमा मार्ग पाई 75 मीटर भितरे पर्याय क्रमे जमी अधिग्रहण करुछि प्रशासन। तेबे 96 शतकड़ा जमी अधिग्रहण करिथिले मध्य आउ 4 शतकड़ा जमी बाकी रहिछि जाहाकु नै परिक्रमा मार्ग कार्य आगकु बढ़ी पारु नाही। तेबे ए भितरे जमी अधिग्रहण पाई प्रक्रिया आरंभ करिछि प्रशासन। प्राथमिक स्तर रे जमी मालिक स्वर्णलता गोचिकार दामोदर गोचिकार एवं अनिल गोचिकारंकु विज्ञप्ति जारी करिछि प्रशासन। विज्ञप्ति अनुयायी रविवार अर्थात 2 तारीख सुद्धा जमी हस्तांतर न देले आईनगत कार्यानुष्ठान नेबो बोली कहाजाउछि। किंतु एने जमी मालिकंक वकील प्रशासन रो ए प्रकार कार्य को गुंडामी बोली कहिछंति। तेबे वकील अमित दास प्रशासन तांक महकिल को जमी को जोर जबरदस्त हासिल करबा को चाहुथिबा सीधा सड़ख अभियोग करिछंति। तेबे मामला न्यायालय रे विचाराधीन थिबा बेले प्रशासन बिना कोनोसी थैथान रे एभली पदक्षेप नेउछि बोली से बयान देइछंति। तेबे अन्य पटरे विज्ञप्ति अनुजाई लारा कोर्ट रे टंका दाखल करा जायथिला एवं लारा कोर्ट एहाकु अनुमति देथिबा उल्लेख रहिछे। किंतु ए प्रकार कोनोसी आदेश न्यायालय तरफरु नाही एवं से संक्रांतीय कोनोसी आदेश प्रशासन सेमानंकु देखाई पारु नाही बोली दामोदर एवं अनिल को वकील अमित अभिजोग आनिछंति। तेबे मामला सुप्रीम कोर्ट रे विचाराधीन थिबा बेले प्रशासन एभली उच्छेद जबरदस्ती रे करबाकु चाहुछि बोली से कहिछंति। ये जो 2019 मसीह जो 75 मीटर लैंड एक्विजिशन मंदिर चतुर्पाशे रोचे सब जाक भूल भाल लैंड एक्विजिशन हो तल स्तर लेवल ऑफिसर लेवल रे सब जाक दुर्नीतिग्रस्त काम हो। प्रथम आज्ञा जमीर मूल्य जदि पचार प्रथम कथा है जमीर मूल्य 2015 विगत 2015 मसीह लैंड एक्विजिशन नहीं था जितने जमीर मूल्य डिसमिल पिछा 11,000 टका हाइस्ट वैल्युएशन रखा है यार 1600 मिसले आज्ञा 22 लक्ष हो लोक भी से हिसाब से पैसा पाई 2019 रे ता मूल्यटा कमेदे 5,80,000 टाँगा तेल ये मूल्य बेचवा पाइले कौटू मोर कह कथा आप सही रेट रे निले जातु ये द्वितीय कथा रिहैबिलिटेशन आउ रिसेटलमेंट केत जन को रिहैबिलिटेशन आउ रिसेटलमेंट आप दे एते लोक परिवार घर हरले एते लोक लजिंग हरले रिहैबिलिटेशन रिसेटलमेंट कौट दिया आपण कहे पैकेज आम देलु आज्ञा 30 लक्ष टा ना आईन कौन पैकेज रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट पैकेज सहित लैंड देवे आप
तेबे जमी अधिग्रहण को नहीं पूर्वरु मध्य विवाद देखा देथिला किंतु परे पाखापाखी 96 शतकड़ा जमी अधिग्रहण सरिछि एवं परिक्रमा मार्ग पई शिलान्यास मध्य सरिछि। तेबे पूर्वरु मध्य जमी मालिक मानंकु शिलान्यास उत्सव रे दिया जायतिबा संबर्धना समय रे कोहो एवं असंतोष देखिबा को मिलिथिला। तेबे जमीदान करिथिबा व्यक्तिंकु सरकार संबर्धना करुथिबा कथा कहिथिबा बेले जमी मालिक किंतु सेमानंक अनिच्छा सत्वे प्रशासन जोर जबरदस्त टंका देई नेइछि बोली प्रतिक्रिया रखिथिले। पुरीरो कैमरा पर्सन रंजित को सह सुजित महापात्रंक रिपोर्ट। मुरुजरे चित्रण हेले पिपिली विधायक रुद्र प्रताप महारथी। नववर्ष लागि पिपिली विधायकंकु मुरुज चित्र भेटी देछंती जणे महिला। 2022 इंग्राजी नववर्ष पई पिपिली विधायक रुद्र प्रताप महारथींकर एक चित्र मुरुजरे अंकन करिछंती। तेबे पिपिली बीजेडी स्थित कार्यालय अठारे चट्टाणरे एही चित्र अंकन करिछंती महिला जनक। तेबे महिला जनक हेउछंती पिपिली ब्लॉक अंतर्गत गुड़िया पोखरी अंचलर संयुक्ता रानी दास। से पिपिली विधायक रुद्र प्रताप महारथींकर मुरुजरे एक प्रतिछवि अंकन करिछंती। चित्रे विधायक नमस्कार करी हस हस मुहरे थिबार स्पष्ट भावरे अंकित करा जायछि। एहार लंब एवं ओसार प्राय 10 फुट बोली एहाकु निर्मित करितबा महिला जनक कहिबा सह एहा तांकु 5 घंटार समय लागिथिला बोली कहिछंती। तेबे आगकु से मुख्यमंत्री नवीन पटनायकर एक प्रतिछवि मुरुज साहाज्यरे वर्णित करिबार इच्छा रहिछि बोली महिला संयुक्ता रानी दास कहिछंती। तेबे पिपिली विधायक रुद्र प्रताप महारथींकर एहि प्रतिछविकु मुरुजरे चित्रित करिथिबार दृश्यकु विधायक देखि खुशी व्यक्त करिबा सह निजकु गर्वित मने करिछंती विधायक। विधायक रुद्र प्रताप महारथींकर एहि प्रतिछवि मुरुज चित्र एबे लोकंक मनरे उत्साह आनिबा सह अंचलरे बेस आखि दृश्या लाभ करिछे। पिपिलीरु मनोरंजन महापात्रंक रिपोर्ट। पुरी चंदनपुर नुआ जगन्नाथ सड़कर थेंटोपुर स्थित श्री जगन्नाथ आश्रम पक्षरु रविवार दिन एक निशुल्क स्वास्थ्य शिविर अनुष्ठित हो जाएछि। डॉक्टर नारायण बाबांको द्वारा प्रतिष्ठित एहि कार्यक्रम रे रामचंद्र बेहरा सभापतित्व करितबा बेले मुख्य अतिथि भाबे डॉक्टर रविनारायण साहू अंशग्रहण करितिले। तेबे एहा एक आध्यात्मिक आश्रम होइतिबारु प्रथमे श्री जगन्नाथंक संपर्क रे आलोकपात करा जायतिला। श्रीमंदिरे श्रीजगन्नाथ संस्कृति उपरे उपस्थित अतिथि मानंक द्वारा एक आलोचना चक्र मध्य अनुष्ठित होइथिला। तेबे स्वास्थ्य शिविर रे कनिष्ठ तथा वरिष्ठ मानंक निरामय जीवन पई स्वास्थ्य परीक्षा करी औषध बंटन करा जायथिला। एही स्वास्थ्य शिविर को डॉक्टर अर्जुन साहू, डॉक्टर लक्ष्मीधर प्रधान, डॉक्टर विजय कुमार साहू एवं ब्रजबंधु बेहरा प्रमुख भाग नेथिले। 30 ऊर्ध गरीब लोकमानंकु मागणा औषध सह शाकाहार भोजन रे आप्यायित करा जायथिला। एही कार्यक्रम रे अध्यापक सहदेव साहू संयोजक भाबे काम करथिले। एही निशुल्क स्वास्थ्य शिविर को परिचालना रे सोनाली साहू एवं अन्नपूर्णा बेहरा प्रमुख सहायता करथिले। कार्यक्रम आज होई प्रति मास रे प्रथम रविवार आमर एठी स्वास्थ्य शिविर जो माने बहुत 700 किलोमीटर दूर छ भल हो ना से माने एठी आसन नउछंती एठी सब प्रकार ट्रीटमेंट अछि जो माने गवर्नमेंट हॉस्पिटल अछंती एलोपैथिक डॉक्टर आउ आयुर्वेद डॉक्टर तापर आमर होम्योपैथी आउ इठी जो माने अछंती से इलेक्ट्रो होम्योपैथी दउछंती औषध दांत बंधा होजी बाकी देह टिक असुस्थ रहउजी त खाइया बे टिक सेमिति गा ए नहुनी तेन आस्तेले औषध पे। ए स्वास्थ्य शिविर विगत 10 वर्ष पूर्व आरंभ होलानी एठी प्रथमे नारायण बाबाजी अछंती आमर से आयोजक हिसाब से समुदाय जोगाजोग करते आम सब डाकते एटी डाक्तर लक्ष्मीधर प्रधान आसती अमर कुमार महारणा आगुरु अनेक डाक्तर आसुले आयुर्वेदिक एलोपैथिक सब डाक्तर जितेबाला बाबा आम डाकती सब डाक्तर मैंने आसती एमती कि बड़ बड़ प्रोग्राम ये कराई वरिष्ठ नागरिक मान अक्टोबर 2 रे गोटे प्रोग्राम कराए से औषध मागणा दि जाए प्रति मसर प्रथम रविवार शिविर टी चले वयस्क मानक दि जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयास न्यूज। राज्य सरकार चलित शिक्षा वर्ष रे प्रथम श्रेणी ठारु पंचम श्रेणी पर्यंत अध्ययन करुथिबा छात्र छात्री मानंक पई विद्यालय पुनः खोला जिबा निमन्ते आदेश जारी करथिले। एही आदेश मुताबक पाखापाखि 23,000 विद्यालय आसंता जानुवारी 3 तारिख सोमवार ठारु खोलिबार बंदोबस्त करा जाउथिला।
एवं बाकी 3093 विद्यालय को जनवरी 10 तारीख ठारु खोला जायथांता। इतिमध्यरे पदाधिकारी माने विभिन्न स्कूल गस्त करी विद्यालय सह जड़ित व्यक्ति विशेष मानक सहित आलोचना करथिले। तेबे सांप्रतिक स्वास्थ्य जनित परिस्थिति को लक्ष्य करी विशेष भावरे विगत दुई दिन मध्यरे कोरोना आक्रांतक संख्या वृद्धि एवं इतिमध्यरे विभिन्न उच्च पदाधिकारी मानक रिपोर्ट को नै पिलामानक बृहत्तर स्वास्थ्यगत हित को ध्यान रे रखी राज्य सरकार प्रथम श्रेणी ठारु पंचम श्रेणी पर्यंत स्कूल खोला जिबा निष्पत्ति को सामयिक भावे स्थगित रखी छंती, किंतु षष्ठ श्रेणी ठारु दशम श्रेणी पर्यंत पाठपढ़ा यथाविधि जारी रहिब। तेबे आसंता जनवरी 5 तारीख ठारु 8 तारीख पर्यंत दशम श्रेणीर माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित समेटिव वन परीक्षा पूर्व निर्धारित सूची अनुजाई सामाजिक दूरता अवलंबन करा यथाविधि चालू रहिब बोली विद्यालय एवं गणशिक्षा विभाग पक्षरु प्रकाश करा जायछि। किंतु जेहेतु ये तीन दिन भितरे वर्तमान माने आमर कोरोना संख्या वृद्धि पाई जाऊँगी एवं ग्राउंड लेवल जो फीडबैक आम घटना नेलु से जेहेतु गार्डियन मानक किसी रिजर्वेशन रोचु तेणु काली जो उच्च प्रशासनिक अधिकारी माने बस निष्पत्ति घटना आम 1-5 जोड़ा खोल रखीलु बर्तमान सामयिक भाव बंद कर रखाई आप देखिए आम निष्पत्ति अनुसार नोडाल अफिसर्स मैंने स्कूल पहुँचवा आरंभ करते स्कूल बुलवा आरंभ करते सेठी गार्डियन मानक विभिन्न फीडबैक्स ने गार्डियन मानक किसी रिजर्वेशन ये कथा देखा है समस्त गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ तीन दिन भितर आमर जो गुड़िक संख्या बर्तमान जो मैंने गुड़िक वृद्धि पाई बहुत वृद्धि पा दुई गुण तीन गुण पर्यंत वृद्धि पाई गत काली जहाँ थी आज ताकि दुई गुण हो जाए तेणु ये जेहेतु दुई गुण वृद्धि पाई ये सब कथा को विचार को नेला जो मैंने नोडाल अफिसर्स मैंने क्षेत्र परिदर्शन करते फीडबैक नेला सामयिक भाव में स्थगित रखापी निष्पत्ति कराला जो स्कूल तीन तारीख जो खोलने बर्तमान स्थगित रखापी निष्पत्ति कितु परीक्षा जो हवा कथा 5 तारीख जो समी से परीक्षा हवा कथा से परीक्षा गुड़क जारी रहा। भुवनेश्वर विश्वजीत दास रिपोर्ट। वर्तमान भुवनेश्वर एवं कटक्र विभिन्न रूट्रे सरकार तत्वावधान में चलुवा बस गुड़िक दुई सहर अधिवासी लाइफलाइन पलटि मात्र गत किछि दिन हेब बस गुड़िकात्राई लोके आउ निरापद मणुना तेरे शनिवार संध्यारे डुमडुमारु मास्टर क्यांटीन बस टी आसुवा बेले राजमहल छकरु मास्टर क्यांटीन मध्यरे बस भितर यात्री मध्यरु चारिजण मोबाइल फोन मनिपर्स और टंका लुट हो एक अभावनीय परिस्थिति सृष्टि होता बस मध्यरे यात्री माने हो हल्ला करी बस टी मास्टर क्यांटीन टर्मिनाल पहुंचा पर सेठारे एक उत्तेजनामूलक परिस्थिति सृष्टि होता तेबे लुट होता महिला संपर्कीय माने आसी बस रो कर्मचारी को लुटेरा मानक सहित संपर्क थिबा अभियोग करितिबारु सेठारे थिबा अन्य समस्त बस कर्मचारी माने मिलित भावे संपृक्त महिला एवं तांको संपर्कियों को उपरे आक्रमण करितिबा अभियोग होइछि। तेबे खबर पाई कैपिटल थाना पुलिस घटनास्थल रे पहुंची परिस्थिति को आयत्त करथिले तेबे लूट एवं मारपीट संपर्क रे यात्री एवं बस कर्मचारी को पक्षरु पृथक पृथक भावे दुईटी लिखित अभियोग पाइबा परे कैपिटल थाना पुलिस बस भितरे लागिथिबा क्लोज सर्किट कैमरा रो फुटेज नै तदंत आरंभ करितिबा सूचना मिलिछि। मुझे जानी जे मैंने समस्त कहे मोबाइल ना तर मोबाइल चेक कले चेक कर पर मुझे देख ली ना मो फोन काम दे नुआ मोबाइल मोबाइल लक्ष्य करीट बस छिड़ा ही मो बो आ झील बस चोरी नहीं जा मामू आसिले मामू रागरे जस्ट कांदरे हाथ
ଆଉ ବାଡ଼େଇଲେ ଚାଡ଼ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଥରେ ଉଠିକି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ତାପରେ ରାଜମହଲ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭିଡ଼ ରାଜମହଲ ଆହୁରି ଜାମ ହେଇଯାଉ ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଳୁ ଟିକେଟ୍ କାଟିକରି ଯାଉ ତାପରେ ଏଇ ମଉସାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ମଉସା କହିଲେ ମୁଁ ବସ୍ ନାହିଁ ଚୋରି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା କହିଲା ଟିକେ ଅଙ୍କଲ ଫୋନ୍ ଦେବେ ମୁଁ ମୋ ନମ୍ବର ମୋବାଇଲ କାଇଁ ପାଉନି ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଥରେ ଚିଲେଇକି ଉଠିଲେ ଆଚ୍ଛା କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଲା କେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍ପଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଏବେ ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ଛୋଟ ବିରତିର। ବିରତି ପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାରି ରହିବ। ଜବ ଜବ ହୋଇ ଧର ମା କେ ଇହାନି ବାଢ଼ଇ ଅସୁର ତମ ଅଭିମାନୀ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ ଓ ତବ ତବ ଧରି ପ୍ରଭୁ ବିବିଧ ଶରୀରା ଆରହୁଁ କୃପାନିଧି ସଜନ ପୀରା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଯେଉଁ ନାମ ଧରିଲେ ନ ତନ୍ଦେ କାଳ ଜମ ଭାବ ଭକ୍ତିର ଚେତନାକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଭକ୍ତି ଚେତନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 7:30 କେବଳ ପ୍ରୟାସ ଟେଲିଭିଜନରେ। विश्वास से भरे स्मार्ट और तेज तरार हो तो कृपया उत्कल बचपन के पास आए। यह आपके बच्चे के लिए दूसरा घर होगा। स्कूल में उत्कृष्ट शिक्षक, घरेलू वातावरण और सभी शिक्षण सहायक उपकरण हैं। स्कूल मस्ती के माध्यम से सीखने में विश्वास करता है। स्कूल में वातानुकूलित क्लासरूम, सीसीटीवी कमरे, बॉल रूम, डॉल हाउस, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, इंडोर और आउटडोर गेम्स, डाइनिंग रूम और एक सेलिब्रेशन कॉर्नर है। यह पूरी का एकमात्र स्कूल है जिसका ISO प्रमाणन 2001-2015 है। आप अपने बच्चे को उत्कल बचपन परिवार का हिस्सा होने दें और हम आपके बच्चे के उज्ज्वल भविष्य का आश्वासन देते हैं।
वो जिंदगी भी क्या जिसमें प्यास ना हो। इस खुशियों के सीजन पे बुझाइए अपनी प्यास सिर्फ अमृत के साथ। अमृत वाटर विथ आयरन मिनरल्स, प्यास जरूरी है। अमृत दुनिया सत्य पढ़ंतु सठिक पढ़ंतु पढ़ंतु अमृत दुनिया। ताजगी का एहसास अपने होठों से रूह तक। अमृत वाटर विद आयरन मिनरल्स, प्यास जरूरी है। अमृत टोन मिल्क कैल्शियम शक्ति सह पैस्चराइज्ड एंड होमोजेनाइज्ड जहाला एकदम प्योर अमृत टोन मिल्क। मीना जी मावा आपके सफर में आपके साथ, स्वाद और क्वालिटी में दमदार। ₹5 में प्रीमियम टेस्ट मीना जी मावा अब प्रीमियम पैक में। मीना जी प्रीमियम पान मसाला सिर्फ ₹5 में मस्त मजा। मीना जी प्रीमियम पान मसाला अजवाइन के अनगिनत गुणों से भरपूर एक ऐसा पाचक डाइजेस्टिव जो पेट को आराम दे जाए। मीना जी पाचक अजवाइन, पाचक और गैस नाशक। खाने के शौकीन अब कैसी चिंता जब हर खाने के बाद हो मीना जी पाचक आमला। खाओ चटपट हजम झटपट मीना जी पाचक आमला। अदरक में है प्राकृतिक गुणकारी शक्तियाँ जो पाचक के रूप में है वरदान। हेल्दी हर्बल और गुणकारी मीना जी पाचक जिंजर। अमृत दुनिया सत्य पढ़ंतु सठिक पढ़ंतु पढ़ंतु अमृत दुनिया। विरती परे आपण मानंकु स्वागत। एबे देखिबा न्यूज अपडेट रो आउ किछि खबर। भुवनेश्वर डुमडुमा स्थित मिनी स्टेडियम ठारे एमवी ग्रीन प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड भुवनेश्वर तरफरु चारा रोपण कार्यक्रम अनुष्ठित होइ जायछि। नुआ वर्षरे समस्ते भोजी भात करी मस्ती करथुबा बेले नुआ वर्षकु एभळी नियारा ढंगरे पालन करिछंती एमवी ग्रीन प्लांटेशन संगठनर सदस्य। एही कार्यक्रमरे 100टी निंब एवं 50टी जामु गछर चारा लगाई उत्तम परिवेश सृष्टि करिबा सहित कोरोनारु अक्सिजेनर अभावरु बंचिबा उद्देश्यरे एही कार्यक्रम करा जायछि। एथिरे राजेश कुमार साहू, रंजन कुमार मिश्र, महेंद्र कुमार साहू, दीपक रथ, नित्यानंद पाणी एवं संगीता साहू प्रमुख उपस्थित रहिथिले। जेन गोटे प्रोग्राम रहिछे आमे भुवनेश्वर विभिन्न स्थानरे निम्ब गछ, जामुकली गछ, बहुत प्रकार गछ रहिछे। आमे लोकमानको सचेतन करिबाकु चाहन्छु परिवेश किपरि सुरक्षा रहिब, ग्रीन एनवायरनमेंट हो, से विषयरे आमे सचेतन करिबाकु चाहन्छु। नूतन भावे समस्त हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन। भुवनेश्वरु विश्वजित दासक रिपोर्ट। जगतसिंहपुर जिला एरसमा ब्लॉक अधीन ढिंकिया ग्रामर 90% लोके चाहुछंती जेएसडब्ल्यू प्रकल्प हेउ। कंपनी को सेमाने समर्थन करी पान बरज देबाकु मध्य चाहुछंती। मात्र किछि मुष्टिमेय लोकंक चापरे कामधंदा को न जाय फुलखाई मंदिर निकटरे मीटिंग को जाउछंती। जे न जाउछि तांकु माड़ मरा जाउछि एवं घर पोड़ी देबार धमक सहित एकघरिया करिबाकु धमक देउछंती प्रकल्प विरोधी। एबे ढिंकिया ग्रामरे मूल लागि चलुथिबा परिवारर अवस्था शोचनीय होइ पड़िछि। एभली एक विस्फोरक बयान देछंती दिने जिए प्रकल्प विरोधरे आगरे रही विरोध करुथिले एवं विरोधीक मनोबल बढ़ाइबा पई तथ्य भित्तिक भाषण देउथिबा अरि सामल। तेबे मीटिंग को जिबा बदलरे से माछ मारिबाकु जाइथिबारु तांकु ग्रामरे माड़ मराजिबा सहित धमक दिया जाइथिबा से अभिजोग करिछंती। एपरिकि से घरु लुचिकरि जंगलरे रहिथिले एवं अभयचांदपुर थानारे पहुँचि लिखित एतला देबा सहित थाना सम्मुखरे धारणा देइथिले। थाना आगे बसिया कारण कौन ये आम 15 दिन खाली दिन राति मीटिंग चलती मोर अभाव कथा आज्ञा मुझे सका पल जाल पक नी गाँ मीटिंग रे जाल पक राति 9 आसी पहुँचली मुझे खाई मीट आड़े जी मुझे बसते थे आस मो पाखे लोक पहुँचले मुझे रुह मुझ खाई जाऊँ तुम जाओ आगे ना गाँव को भसई दे कि मिस व्यवहार कर गाँव को भसई दे कि कौन खाइबु तु मो बेकर गामुछा एम पकईली एम बही एम मोड़ी घोचारे घोचारे नहीं फुलकाई पीठ को गले मुझे कौन मो गाँ बसई ना तो बर्ज भंगा मुझे मुझे हार विरोधी कैरे जनशुना भी विरोध कर तहसिलदार सार को भी जिते सीमा निर्धारण भी विरोध कर
ତେଣୁ ମୁଁ ତ ବିରୋଧ କରିଯାଇଥିଲି, କ'ଣ ମୁଁ ବର୍ଜ୍ୟ କ'ଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଏ ବାବଦରେ କିଛି। ନା ତୁ ଭିତୁରି ଆଉଛୁ, ତୁ ଆମର ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ଦିଏ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଇଛି, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆଇଛି। ବିନାଶ କାରଣ ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଥାନା ଆଗରେ ବସିଛି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ। ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଇଗଲି, ପ୍ରଶାସନ ସମର୍ଥନରେ ରହିବି। ମାରିଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି କାଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚିକି ଥିଲି, ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ବୁଦା ଭିତରେ ଆଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗେ ରହିକି ମୋ ପାନ ବର୍ଜ ଭାଙ୍ଗିବି କାଲି, ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଯାଉ। ଢିଙ୍କିଆର ଆନ୍ଦୋଳନ କଲାଦିନ ଠାରୁ, ଏଇ ଜିନ୍ଦଲ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲାଠାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାରେ ଚାଲିଛୁ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ମାନେ ଏକାଠି ବସିଛୁ। ଆମେ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିପଦ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଏଠି ଜିନ୍ଦଲ କମ୍ପାନୀ ହେବ, ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେବ, ଆମେ କେମିତି ଆମେ ଏ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବସିଛୁ। ଆମେ ଭାଇଚାରା ନେଇ ବସିଛୁ। ପ୍ରଶାସନ ଯେ ଖାଲି ଢିଙ୍କିଆ ନୁହଁ, ପାଟଣା ମାହାଳ ବି ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାରେ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଟଣା ମାହାଳକୁ ଅଲଗା କରି ମାନେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ତାଙ୍କର କରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍ ଆଖିଆ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଲା, କିନ୍ତୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କଥା। ତେଣୁ ସେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍ ନାଁରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କାମ CSR ଫଣ୍ଡରେ କିଛି କାମ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କ ବର୍ଜ୍ୟ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମନ ନାହିଁ, ତଥାପି ଜବରଦସ୍ତ ଗୋଟେ ବର୍ଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଧିଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଧମକ ଦେଉଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜଗତସିଂହପୁର SP ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ SP ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ଆମ ଢିଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମର ଏକତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧରି ଆମ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଢିଙ୍କିଆବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ପ୍ରଳୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକର ବହଡ଼ାଗୁଡ଼ାଠାରେ ଦୁଇ ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଆସିକା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା 38 ବର୍ଷୀୟ ସଂଗ୍ରାମ ଦାସଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 25 ବର୍ଷୀୟ ଶ୍ରୀତମ ଦାସ ଏବେ ଆସିକା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଧରାକୋଟ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଶେଷ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାସେଞ୍ଜର ହଲ୍ଟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେସନର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁ କରିବା ଦାବି କରି ଆଜି ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଲିଙ୍ଗରାଜ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନଠାରେ ଏହି ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ତିରୁପତି ବା ଧଉଳି ନାମକରଣ ପରି ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁ କରିବାକୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଦାବି ଜଣାଇବା ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆମକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫେସବୁକ୍ ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।